वेलकम टू योर स्टॉक माई एनालिसिस सीरीज, जहां पर आप मुझे कमेंट में अपने स्टॉक का नाम बताते हो और मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करता हूं और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज़ करके पूरा एनालिसिस करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब यार बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हम आ चुके हैं BSE लिमिटेड के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। आज की इस वीडियो की मुझे रिक्वेस्ट मिली है श्रेवंथी की तरफ से, तो एनालिसिस को स्टार्ट करते मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको वीडियो तो एंड तक जरूर देखना, आपकी बहुत सारी लर्निंग इस वीडियो में मिलने वाली और इस स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारी क्यूरी आपकी सोल्व होने वाली। तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हो मैंने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया और इसका जब IPO लिस्ट हुआ था फरवरी 2017 के आसपास, जब इसका IPO लिस्ट हुआ था उसके बाद से कंटिन्यूसली हमको डाउन ट्रेंड इसमें देखने को मिला, राइट। तो मैं देखो एक सिंपली मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हो मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर एक जोन कह सकते हो, एक जोन को मैंने ड्रॉ किया है। तो इसका जो मैं लॉन्ग टर्म अगर प्राइस एक्शन हम देखें तो 2017 के बाद से कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चला है, जहाँ पर प्राइस ने कभी भी हायर हाई नहीं बनाया, प्राइस हमेशा नीचे की तरफ मूव करती जा रही है, जिगजैग फॉर्म में ट्रेड करती है प्राइस, राइट। सो यहाँ पर देख सकते हो कि इसने जो लो लगाया था, प्राइस ने इस लेवल के आसपास लो लगाया था, यानी कि 274 के आसपास प्राइस ने लो लगाया और उसके बाद से हमको एक शानदार रैली देखने को मिली। तो इसका ब्रेकआउट कहाँ हुआ था वो देख सकते हो, इस कैंडल के यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हुआ था, ये जो मैं जोन क्रिएट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो लेवल है, पूरा लेवल जो आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पर एक शानदार प्राइस में इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद हमको एक शानदार रैली देखने को मिली, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप जिन चीज़ों को आप देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से ट्रेंड इसका बदल सकता है या फिर बदला हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला, राइट। तो मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको कन्फर्मेशन होगा कि राइट एंट्री कहाँ होती है और फिर हमारा टारगेट क्या होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब इसका ब्रेकआउट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब प्राइस में ब्रेकआउट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। देखो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी तब यहाँ पर देख सकते हो प्राइस भी हमको धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया था, सॉरी वॉल्यूम हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आया था। ये हमारे किसी भी स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन है और जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है, नीचे में वॉल्यूम देखोगे तो आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आया, तो अगेन ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन होता है किसी भी स्टॉक के लिए, राइट। अब हमारा यहाँ पर देखो ट्रेड सिंपली जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के आसपास हुआ था, मैं कुछ रेड एरो से आपको दिखा देता हूँ कि ऑब्वियसली आप सिंपली चीज़ों को देखोगे तो जब भी प्राइस ने इस ऊपर वाले जोन को हिट किया है, जहाँ पर मैं रेड एरो से दिखा रहा हूँ, तो वहाँ से हमको कंटिन्यूसली हर बार सेलिंग देखने को मिली। एक भी बार ऐसा नहीं है कि वहाँ से सेलिंग नहीं हुई है, क्योंकि कंटिन्यूसली स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, पूरा जो निफ्टी भी सब कुछ डाउन ट्रेंड में चल रहा था 2018 से ही, तो इसकी वजह से कंटिन्यूसली ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में रहा, राइट। उसके बाद यहाँ पर जब 2020 में अभी देख सकते हो रिसेंटली 2020 अप्रैल में इसका जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के आसपास, उसके बाद से देखो यहाँ पर ट्रेंड बदलता हुआ नजर आया। यहाँ से अगर मैं प्राइस एक्शन दिखाऊँ आपको तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर देखो प्राइस अब हायर हाई बनाने लग गई, राइट। अब प्राइस नीचे कम जा रही है, ऊपर ज़्यादा जा रही, पहले नीचे ज़्यादा जा रही थी ऊपर कम जा रही थी। आई होप कि इस पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे, प्राइस एक्शन काफ़ी सिंपल होता है, मैं काफ़ी ईजी तरीके से समझाता हूँ, तो आपको आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब यहाँ पर देख सकते हो मेजर इसमें मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। तो इसका दो ब्रेकआउट लेवल थे मेजर, राइट। मैंने एक ब्रेकआउट तो अभी आपको नीचे में दिखाया, अब एक और अगेन जो ब्रेकआउट था वो ब्रेकआउट था इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल मैंने 1040 से 50 10-15 रुपये की कोई वैल्यू नहीं होती है ऑब्वियसली, तो ये जो एक अगेन मैंने एक ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था 2017 में, तो देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, क्लोजिंग प्राइस को हम चूज़ करें तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस थी 1120 के आसपास राउंड लेवल नंबर मान सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जब भी प्राइस ने इस लेवल को हिट किया था। पहली बार जब प्राइस ने हिट किया उसके बाद से हमको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली थी, इसके ऊपर प्राइस आज तक सस्टेन नहीं कर पाई थी। और फिर यहाँ पर देख सकते हो एक ब्रेकआउट तो मैंने आपको दिखा दिया कि इस लेवल के आसपास हमको देखने को मिला था, फिर अगेन जो ब्रेकआउट था वो ये लेवल था, राइट। यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन हमको एक शानदार
ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला था। यहाँ पर भी अगर सेम चीज़ अगर आप नोटिस करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ ओके, तो इस लेवल के आसपास भी अगर आप देखोगे तो शानदार ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ। नीचे में वॉल्यूम देखो, काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ राइट। तो ये इसका ओल्ड टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, पिछले 2 से 3 साल का ब्रेकआउट था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद प्राइस को रीटेस्ट किया प्राइस ने राइट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो, मैं आपको प्राइस एक्शन से समझाता हूँ। यहाँ से देखो एक शानदार रैली हुई, ब्रेकआउट हुआ, दोबारा इसी लेवल को रीटेस्ट किया, यानी कि 1820 के आसपास के लेवल को रीटेस्ट करने ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखने को मिली। फिर अगेन यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ मूव की और नीचे से अगेन हमको वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आया, तो ये अगेन हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो देख सकते हो सबसे पहले ये पैटर्न अगर आप समझोगे, अब सिंपली इस पैटर्न को हम अगर ये एक लाइन में अगर कवर करना हो तो अगर ये पैटर्न आप देखोगे तो ये पैटर्न सिंपली होता है, क्या होता है, कप पैटर्न होता है राइट। यानी कि काफ़ी 3 से 4 सालों का कप था, जितना बड़ा कप, जितने ज़्यादा टाइम का कप होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसमें मूव बाद में देखने को मिलता है। तो जैसे ही प्राइस में 3-4 सालों का कप यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद आप रैली देखोगे इसके अंदर, तो कितनी शानदार रैली हमको देखने को मिली राइट। तो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिला, जहाँ पर देखो इनिशियल टाइम पे डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला, फिर इसका जो एक बुलिश ट्रेंड हमको देखने को मिला, फिर यहाँ से हमको इस लेवल के आसपास से देख सकते हो इस लेवल जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमको इसका एडवांस पार्ट अभी हमको रिसेंट में देखने को मिला है राइट। तो ओवरऑल अगर मैं इसमें रिटर्न की बात करूँ फ्रॉम द लास्ट लो पॉइंट, यहाँ से अगर मैं लो पॉइंट को अगर पकड़ूँ और यहाँ से अगर मैं हाई पॉइंट को पकड़ूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट इस प्राइस ने, इस स्टॉक ने, यहाँ पर आप देख सकते हो जूम करके दिखाता हूँ मैंने, इतना परसेंट का रिटर्न यानी कि 750% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। तो ऑब्वियसली इतना किसी ने कवर नहीं किया होगा, कि किसी को नहीं पता था कि इस पॉइंट पर बाय करना है। ऑब्वियसली वो हमको लेट पता चलता है, जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही पता चलता है, तो ऑब्वियसली हमको इतना नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी हमने कमाया होता तो काफ़ी अच्छा होता। ओवरऑल आपको ट्रेंड पता चल गया, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में प्राइस दिख रही है, जहाँ पर एक काफ़ी शानदार रैली हमको होती हुई नजर आई है, जहाँ पर इसका मेजर ब्रेकआउट इस लेवल के आसपास हुआ था। उसके बाद यहाँ से प्राइस ऑलमोस्ट 100%, तो यहाँ से प्राइस ने बनाकर दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को राइट। सो अब हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेड हमारा कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम चलेंगे इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर राइट। ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम की बात कर दी, अब रिसेंट में हमारी क्या प्लानिंग होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा राइट। बड़ा मेजर ट्रेंड आपको पता चल चुका है, बुलिश ट्रेंड है, काफ़ी लॉन्ग टाइप का कप एंड हैंडल पैटर्न, कप पैटर्न का ब्रेकआउट था और शानदार रैली हमको होती हुई नजर आई। अब रिसेंट में आपको देखो तो एक इसने स्विंग, एक हाई लगाया है इस लेवल के आसपास, जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है ये लेवल है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, 2290 से 2300 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और रिसेंट में आप देखोगे तो प्राइस जो है एक फिर से अगेन एक शानदार ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ से प्राइस ने एक शानदार रैली करी, उसके बाद सेलिंग देखने को मिली और फिर अगेन जब प्राइस ऊपर गई, शानदार रैली हुई, फिर सेलिंग देखने को मिली, फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है राइट। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप गलत जगह एंट्री लेते हो तो अच्छे स्टॉक के अंदर भी आपका नुकसान हो सकता है राइट। तो यहाँ पर देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ, इससे पहले भी सेम चीज़ जब प्राइस ने रीटेस्ट किया था तब भी कुछ इसी टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिला था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इस लेवल के आसपास देख सकते हो कि एक बार हाई किया, प्राइस ने सेलिंग देखने को मिली, फिर एक शानदार रैली हुई, ठीक है, सेम चीज़ अभी भी रिपीट हो रही है, एक शानदार हाई लगाया, फिर सेलिंग हुई, अब शानदार प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती जा रही। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी वो चीज़ इंपॉर्टेंट, दो चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर एक और दिखाऊं तो आप देख सकते हो जब प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करी, नीचे में वॉल्यूम हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जब प्राइस यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही प्राइस में तो वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ मूव कर रही, अगेन वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और रिसेंट में भी देखोगे लास्ट के 2 कैंडल में तो वॉल्यूम हमको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो ये अगेन एक पॉजिटिव साइन है हमारे स्टॉक को बाय करने का, एक बेस्ट सिग्नल है राइट। सिंपली हम प्राइस एक्शन को समझ रहे और कुछ भी नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मार्क कर देता हूँ, एक जोन क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ राइट ओके। तो मैं इसको यहाँ से हटाकर यहाँ शिफ्ट करूँगा, एक लास्ट स्विंग लो इसका ये है ओके। तो ये हमको एक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है शानदार, तो हमको बाय कहाँ करना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट। तो ये आपको बाय करना चाहिए हमेशा सपोर्ट लेवल के ऊपर। जनरली लोग क्या करते हैं कि एक हाइप के अंदर आकर बाय करते हैं, यानी कि एक एंटीसिपेशन में, या फिर एक उनको अंदर से फीलिंग आती है और प्राइस बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है मैं बाय कर लूँ, तो वो रैंडम कहीं पर भी स्टॉक के अंदर एंट्री कर लेते हैं और फिर वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिलती है और फिर वो जो लोग फंस जाते हैं, जैसे ज़्यादातर लोग यहाँ पर फंसे होंगे। लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने इस लेवल के आसपास फ्रेश बाइंग की होगी, यहाँ से सेलिंग
देखने को मिली। लास्ट टाइम इस लेवल के आसपास फ्रेश लोगों ने बाई की और यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली और नीचे में कहीं वो अपना स्टॉक काटते फिर लॉस बुक करते। तो हमको हाइप में आकर एंट्री नहीं लेनी, हमको एक प्लानिंग के साथ एंट्री लेनी है, राइट। सो अब मैं आपको हमारी एंट्री कहाँ हो सकती है इस स्टॉक के अंदर वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ, एक शानदार इसमें पैटर्न हमको देखने को मिला है। तो मैं इसका अवर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाता हूँ पहले। सो हम आ चुके हैं अवर्ली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हो एक शानदार डबल बॉटम हमको देखने को मिला है, यानी कि ऑब्वियसली एक डब्ल्यू पैटर्न हमको इसमें देखने को मिला है। देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिला जहाँ पर प्राइस ने एक लो लगाया, नीचे डबल बॉटम इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ, एक शानदार रैली हुई, राइट। तो अभी आप अगर फ्रेश बाइंग करोगे तो ऑब्वियसली आप इसमें डेफिनेटली आप इसमें फंसने वाले हो, राइट। मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड करी, तो यहाँ पर आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है वरना आप इस स्टॉक के अंदर फंस सकते हो, राइट। देख सकते हो इसका जो ब्रेकआउट हुआ था, ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अवर्ली टाइम फ्रेम का इसका जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। सो यहाँ पर भी हमको एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिला और आपकी एंट्री होनी चाहिए थी इस लेवल के आसपास, राइट। इस कैंडल के अंदर देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, डब्ल्यू पैटर्न आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ था, एक शानदार आपका टारगेट इसमें हिट हो चुका है। जिन्होंने यहाँ पर फ्रेश बैंक की ऑब्वियसली उनको उन लोगों का पैसा बनाया, आपका नहीं बनाया, राइट। अब यहाँ पर आप एंट्री मत लेना वरना आप इसमें फंस सकते हो। अब हमारी एंट्री कहाँ होगी वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर ये प्राइस ये लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि ये जो लेवल ऊपर में दिख रहा है जो लास्ट स्विंग लो है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ये जो हाई दिख रहा है ना, तो ये जब प्राइस ब्रेक होगी, यानी कि मैं प्राइस में अगर बात करूँ तो 2200 का लेवल जब इसमें ब्रेक होगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। उससे पहले एंट्री मत लेना वरना आप इसमें फंस सकते हो, क्योंकि अभी देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के जहाँ पर कैंडल की साइज देखो तो काफ़ी कैंडल की साइज भी छोटी हो चुकी, कंसोलिडेट कर रही प्राइस। तो जब ये 2200 का लेवल ब्रेक हो तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो एक छोटे ट्रेंड के लिए, एक छोटे ट्रेड के लिए, राइट। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो इस जोन के ऊपर और स्टॉप लॉस सिंपली जो ये अभी कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन से थोड़ा सा नीचे जो लास्ट के 3-4 आवर की कैंडल है इससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। बिल्कुल छोटे ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ से टारगेट होगा आपकी ये जो ऊपर में लास्ट स्विंग हाई है, ये जो आप देख रहे हो ये जो लेवल मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया था डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है, ये हमारा टारगेट होगा, यानी कि 2300 के आसपास टारगेट होगा। तो यहाँ से अगर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। लेकिन ये हमारा छोटा ट्रेड है, मेजर ट्रेड की मैं बात अब करूँगा, ये मैं छोटा ट्रेड आपको दिखाया है, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। अब मैं अगेन चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट, मेजर ट्रेड हमारा कैसे बनेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड की हम बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ पहले, जो भी बीच में आपको दिख रही है, ओके। सो इसको मैं रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर हम देखें तो आपको एक्चुअल एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो आपको हमेशा फ्रेश बाइंग करनी चाहिए सपोर्ट लेवल के आसपास, राइट। तो इसका मेजर सपोर्ट क्या है, नीचे वाला ये जोन देखो। अब मैं प्राइस एक्शन से आपको समझाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें फटाफट। तो यहाँ से देखते हो एक प्राइस कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रही है, तो देख सकते हो यहाँ से प्राइस अगर ब्रेकआउट लेगी तो इस लेवल को हिट करेगी, हो सकता है यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिले। तो आपको बाइंग पॉइंट कुछ इस लेवल के आसपास होना चाहिए, राइट। देखो एक बाइंग पॉइंट हो सकता है आपका ये लेवल, जब ये लेवल अगेन रीटेस्ट करने प्राइस इस लेवल के आसपास आए, नीचे वाले जोन के आसपास आए, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा देख सकते हो आपका एंट्री होना चाहिए इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, ये जो लेवल जब ब्रेक होगा ऊपर वाला जो हाई दिख रहा है, ये जो लेवल जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। उसके बाद हमको एक शानदार रैली देखने को मिल सकती है, ये दो से तीन पॉइंट एंट्री पॉइंट है। इसके अलावा बीच में कहीं पर एंट्री मत लेना वरना आप इसमें फंसोगे। तो मैंने एंट्री पॉइंट आपको दिखा दी, एक तो ये लेवल है, एक ये लेवल है, इसके बीच में आप कहीं पर एंट्री मत लेना, एक तो ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर सपोर्ट पर आने दीजिए, राइट। उसके अलावा कहीं एंट्री मत लेना वरना आप इसमें फंस जाओगे, राइट। आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लेटेस्ट लॉजिकल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे एनालिसिस वीडियो आपसे मिस ना हो, टाइम पे इन सारी चीज़ों को देख पाओ और देखने के बाद सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे स्टॉक के साथ।